देखो भाई, बात ऐसी है कि वो सिलसिले, वो शौक, वो निस्बत नहीं रही, वो दिल नहीं रहा, वो तबीयत नहीं रही, वो लोग नहीं रहे, वो फितरत नहीं रही, उसे मुझसे इश्क नहीं रहा, फिर मेरी ज़रूरत नहीं रही। और मैं ऐसे प्लान करके नहीं आया था, मैं बस मिलने आया था काफ़ी टाइम के, तो मुझे कुछ लाइनें याद आई कि अगर वो पलट के आए तो क्या होगा। हर्ष, तुम्हारे लिए ये, अगर वो पलट के आए तो क्या होगा, मैं अगर चुप भी रहूं और मेरे जख्म उभर आए तो क्या होगा। एक अरसे के बाद खुद को पिरोया है एक महीन धागे से, अब अगर वो गले लगे और हम बिखर जाएं तो क्या होगा। उसने बांटे हैं मेरे ख्वाब किसी और के साथ, उसने बांटे हैं मेरे ख्वाब किसी और के साथ, अब अगर हम अपनी जिद पर अड़ जाएं तो क्या होगा। इश्क रूहानी और जिस्मानी दोनों होता है, मुझे लगता है जो लोग प्यारी प्यारी बातें करने को इश्क समझते हैं उतना काफी नहीं है, और जो लोग इश्क जिस्म की मोहब्बत को इश्क समझते हैं वो मेरे लिए गद्दार है। तो इश्क रूहानी और जिस्मानी दोनों होता है, वो सिर्फ एक को लाए तो क्या होगा। और अब अगर वो आ भी गया सामने तो मैं उसे छूने से डरूंगा, अगर दिखा उसके जिस्म पर कोई नया निशान तो क्या होगा। और है कि ये थोड़ा वैसे है जो लोग कसमें खाते हैं ना मरने की और बाद में भूल जाते हैं, इन द एंड प्रोमिसेस आर ओनली वर्ड्स, तो उस पे है कि मरना भी वो मेरे साथ ही चाहता था, मेरे बिना वो जाने कैसे जिया होगा। उसके जिस्म पर टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयां हैं, चाक जिगर कांपते हुए हाथों से सिया होगा, और कितने सारे तासुर उभरे उसकी सूरत पर। तासुर मतलब भाव, एक्सप्रेशन। कितने सारे तासुर उभरे उसकी सूरत पर, मुझे देख उसने कुछ तो याद किया होगा। कभी तो मैं उसके लिए बहुत जरूरी था। और है कि एक मीम सुनाता हूँ, है ना, थोड़ी देर ना शांत रहना, है ना, मेरे पे ना ऐसे बोला नहीं जाता, जब बीच में कोई बोल रहा होता है मैं अपनी मीम सुनाता हूँ। जब दो लोगों का ना अलग होना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है और एक आगे बढ़ने के लिए करता है। तो उस पर लिखा है कि ना उसको मुझसे अलग होने का अफसोस था, न चेहरे पे उसके मेरी कोई फिक्र थी, वो मगरूर रहा अपने नए रिश्तों में, मेरी हालत की उसको ना कोई खबर थी। जब मिला था मुझको दोबारा से, अक्सर कहीं ना कहीं वो शख्स हमें टकरा जाता है, जब मिला था मुझको दोबारा से, उसके किस्से नए थे, उसकी कहानी नई, खुश रहा शायद यूं मुझसे अलग होकर, क्योंकि अब उसको चाहने वाले नहीं थे। माना उसकी खुशी नहीं थी, माना उसकी खुशी नहीं थी, पर मेरे गम तो वही थे। मैं कैसे मुस्कुराता उसकी हर एक बात पर, जो दर्द मिले थे वो मैंने अकेले सहे थे। मैं देखता रहा उसकी आंखों को, मैं सुनता रहा उसकी बातों को, उसके जज्बात नहीं थे, उसके एहसास नहीं थे, फिर क्यों ढूंढता रहा मैं उसको उसी में, फिर क्यों ढूंढता रहा मैं उसको उसी में, जबकि उसके तो अंदाज भी नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता है कि होना मतलब कहना उतना आसान नहीं है जितना बोलने और सुनने में लगता है। मैं कैसे भुलाता उसको आसानी से, मेरी मंजिल तो अब भी वही था, हम दोनों बैठे तो वहीं थे, बस फर्क इतना है कि अब उसका रास्ता नया था और उसका हम सफर नया था। और कुछ लाइनें हैं जो मुझे पहले, हम जब इवेंट कराते थे कुछ अच्छे शायर आते थे, अब भी अच्छे आए हैं, मैं ज़्यादा सुना नहीं, मैं थोड़ा लेट आया था, तो उनकी कुछ लाइनें हैं कि मेरे अल्फाजों को आंखें तर करके कौन देखेगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुमको जी भर कर कौन देखेगा, और जो ये हो गया इश्क तुमसे ये आखिरी दफा था,
अब दोबारा इस गहरे दरिया में उतर कर कौन देखेगा। और है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जीतना और हासिल करना ही इश्क है। मैं नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बार कर लिया वो काफ़ी था, दोबारा आप नहीं कर पाते। अगर आपके अंदर है कि दोबारा कर सकते, तो मुझे लगता है पहले इश्क था ही नहीं, वो एक वहम था, आपको अट्रैक्शन थी। महफिल में आज वो हमसे दूर खड़ी है, कभी उसको मेरी परवाह बड़ी थी, मुझे देखकर उसने नजरें चुरा ली अपनी, कभी नजरों ही नजरों में वो मुझसे बहुत लड़ी थी, अब उसकी आंखों को मुझसे बेहतर कौन पढ़ सकता है, वो किस मजबूरी में उसका हाथ थाम कर खड़ी थी, महफिल में आज वो हमसे दूर खड़ी थी। और एक दो और सुनाता हूँ मैं तुम्हें। जो वो लोग होते हैं ना जो अपना सब कुछ मतलब एक शख्स पे खर्च करते चले जाते हैं, वो लास्ट में ना उस तरीके से गिरते हैं कि उन्हें खुद संभलने का मौका नहीं मिलता और सालों साल लग जाते हैं। तो ज़मीन पर चल ना सका, आसमान से भी गया, कटा के पर वो परिंदा अपनी उड़ान से भी गया, तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश, फिर वो अपने गाँव के कच्चे मकान से भी गया, पराई आग में कूदा और उसे बचा भी ना सका, और अपनी जान से भी गया। तो ये वो लोगों के लिए है जो बस एक राह देखते हैं और लास्ट में खाली हाथ लौटते हैं, क्योंकि कभी कभार हम इतने आगे निकल जाते हैं कि वापस लौटने का सफर ही नहीं तय कर पाते।